सो गाइस आजकल के जो स्मार्टफोन आते हैं ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोनों दोस्तों आपको डार्क मोड का फीचर्स मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारी आंखों के लिए। कि दोस्तों हम होते हैं जब अंधेरे में तो यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले होती है वो हमारी आंखों में चुभती है दोस्तों, तो उसके लिए हम डार्क मोड ओपन कर लेते हैं, इससे हमारी आंखों को दोस्तों रिलीफ मिलता है। ये तो दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि डार्क मोड हमारी आंखों के लिए तो अच्छा है, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या डार्क मोड से बैटरी भी सेव होती है? क्या यदि हम डार्क मोड ऑन करके रखें या फिर हमारे फ़ोन में हम डार्क वॉलपेपर लगाएं ब्लैक वगैरह, तो क्या हमारे फ़ोन की जो बैटरी वो सेफ होती है, क्या वो बैटरी लंबी चलेगी? दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिए, आपको आंसर मिलने वाला है। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू अनदर टेक्निकल नॉलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, हमारे फ़ोन में डार्क मोड को ऑन करने से या फिर दोस्तों डार्क वॉलपेपर लगाने से हमारे फ़ोन की बैटरी दोस्तों सेफ होती है या नहीं, ये दोस्तों डिपेंड करता है हमारे फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर कि किस टाइप की डिस्प्ले दोस्तों हमारे फ़ोन में लगी हुई है। दोस्तों फ़ोन में ज़्यादातर मेजॉरिटी दो टाइप की डिस्प्ले आते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे आपको पता होगा LCD जिसको कि IPS LCD डिस्प्ले बोलते हैं, और सेकंड होते हैं दोस्तों LED जिसको कि OLED AMOLED सुपर AMOLED डिस्प्ले बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक डिस्प्ले है जो कि बैटरी को सेव करती है और एक डिस्प्ले नहीं करती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सो गाइस, आप सभी को पता होगा कि जो डिस्प्ले होती है दोस्तों वो बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। जब आप दोस्तों अपने फोन के ऊपर मैग्नीफायर लगा के देखेंगे दोस्तों, तो आपको छोटे छोटे पिक्सल देखने को मिलेंगे, या फिर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो फोन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे दोस्तों पिक्सल्स कहा जाता है। तो हमारे फोन में काफी सारे दोस्तों पिक्सल्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पे बात करते हैं AMOLED डिस्प्ले की, तो AMOLED डिस्प्ले में दोस्तों जो पिक्सल होता है हर एक पिक्सल एक LED की तरह वर्क करता है, मतलब हर एक पिक्सल पे एक LED दोस्तों लगी होती है। तो जिस भी कलर में उसको ग्लो होना होता है तो वो पर्टिकुलर LED उस कलर में ग्लो होती है, और यदि वहां पे दोस्तों ब्लैक शो करना है, मतलब डार्क कलर शो करना है, ब्लैक शो करना है, तो यहां पर दोस्तों वो LED ऑफ हो जाती है। तो आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पे यदि आपने डार्क मोड को ओपन कर लिया तो जहाँ जहाँ पे दोस्तों कुछ कलर्स हैं, वाइट है, रेड है, ब्लू है, कोई भी कलर हो XYZ, तो वो LED तो ग्लो होगी, लेकिन जहाँ पे दोस्तों पूरी डिस्प्ले में ब्लैक कलर है वहाँ की सारी LEDs ऑफ हो जाएंगी, जिससे आप दोस्तों समझ सकते हैं कि वहाँ पे बैटरी सेव होगी ही। और आपको दोस्तों पता ही है कि फ़ोन में जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो कहा जाए कि बैटरी कंज्यूम करती है, पावर कंज्यूम करती है, वो होती है फ़ोन की डिस्प्ले। तो उससे ये फ़ायदा होता है हमको दोस्तों AMOLED डिस्प्ले में, जो कि दोस्तों यदि आप AMOLED डिस्प्ले पर डार्क मोड ऑन करेंगे, कोई डार्क पिक्चर लगाएंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ पर बैटरी सेव होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है, आखिर जो पिक्सल्स होते हैं वो तो दोस्तों IPS डिस्प्ले में भी होती है, मतलब कि LCD डिस्प्ले में भी होती है, तो उसमें दोस्तों डार्क मोड ऑन करने से या फिर डार्क वॉलपेपर लगाने से बैटरी सेव क्यों नहीं होती? तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि AMOLED डिस्प्ले में हर एक पिक्सल पर एक LED होती है, लेकिन दोस्तों जो हमारी LCD डिस्प्ले होती है, IPS डिस्प्ले होती है, उसमें दोस्तों बैकलाइट का यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें जो डिस्प्ले होती है उसमें पीछे की तरफ से दोस्तों लाइट दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर उस डिस्प्ले में पिक्सल्स का जो कलर कुछ भी हो, चाहे दोस्तों वो रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ भी हो, तो पीछे से दोस्तों बैक लाइट है वो पूरी स्क्रीन पर पड़ ही रहा है। यहाँ पर दोस्तों उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके तो हम बैटरी सेव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर यदि मान लो ब्लैक पिक्सल्स है, मतलब कहीं पर ब्लैक कलर है, ब्लैक पिक्सल है, तो वहाँ पर दोस्तों लाइट ना जाए, वहाँ पर दोस्तों लाइट जाता है, क्योंकि उसमें बैक लाइट पर पीछे तरफ से पूरी स्क्रीन पर लाइट भेजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें LCD डिस्प्ले की, IPS डिस्प्ले की, तो उसमें दोस्तों कोई भी आप भले डार्क मोड ऑन कर दें, चाहे आप नॉर्मल ब्राइट मोड ही ओपन करें, आप डार्क वॉलपेपर लगाएं या फिर नॉर्मल वॉलपेपर लगाएं, वहाँ पर दोस्तों बैटरी कंजप्शन सेम रहेगा, उसमें बैटरी सेव नहीं होती है। सो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यदि हम हमारे फ़ोन में डार्क मोड को एक्टिवेट करते हैं या फिर कोई डार्क वॉलपेपर लगाते हैं तो क्या हमारे फ़ोन में बैटरी सेव होगी या फिर नहीं होगी। दोस्तों यदि आपके फ़ोन में यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले लगी हुई है, कोई LED डिस्प्ले लगी हुई है, तो वहाँ पर तो दोस्तों बैटरी सेव होगी, लेकिन दोस्तों यदि आपके फ़ोन में है IPS LCD डिस्प्ले, तो वहाँ पर दोस्तों कोई भी वॉलपेपर लगाएं, कोई भी मोड को ऑन कर लें, यहाँ पर दोस्तों आपकी बैटरी, आपके फ़ोन की बैटरी सेव नहीं होगी। हाँ दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो AMOLED डिस्प्ले वाले फ़ोन ही लें और IPS डिस्प्ले वाले ना लें, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले वाले फ़ोन दोस्तों कॉस्टली आते हैं, और जो IPS डिस्प्ले होती है वो दोस्तों IPS TFT डिस्प्ले होती है, वो सभी फ़ोन में, नॉर्मल फ़ोन में भी दोस्तों मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो डार्क मोड है, भले ही वो हमारी बैटरी को सेव ना करे LCD डिस्प्ले में, IPS डिस्प्ले में, लेकिन दोस्तों वो हमारी आँखों को ज़रूर से राहत पहुंचाता है।
तो दोस्तों ये थी डिटेल जहां पर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपका डाउट होगा तो जरूर से उसको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आपके भी यदि कुछ टेक या साइंस रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है, तो आप नीचे दोस्तों कमेंट में लेकर जरूर से पूछ सकते हैं। यदि आपका सवाल दोस्तों वाकई में अच्छा हुआ तो उसके ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट से करना, दोस्तों जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, उसमें बेल आइकन दोस्तों दबा दीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।